सो हाय गाइस, दिस इज सुनील और स्वागत है आप सभी का जेनरॉन टेक पर। आज अनबॉक्स और रिव्यू करेंगे क्लॉक के शूट ब्लूटूथ वायरलेस कंट्रोलर को। बहुत सारे फीचर बॉक्स पर लिखे हुए मिल जाएंगे, जैसे 2.4 GHz वायरलेस कनेक्टिविटी या ब्लूटूथ, 10 मीटर्स का रेंज, बटन मैपिंग फीचर्स मिल जाएंगे देखने के लिए, 400 mAh की बैटरी मिल जाती है जो लगभग 10 घंटे का प्लेबैक टाइम आपको देती है। साथ ही में दोस्तों बॉक्स पर प्राइसिंग की बात करें तो 2490 लिखा गया है, बट अमेजोन पर ये बहुत ही सस्ते दामों पे मिल जाएगा, लगभग 1800-1900 में इसे आप अभी बाय आउट कर सकते हैं। तो चलिए बॉक्स को खोलते हैं और जानते हैं क्या कुछ बॉक्स के अंदर मिल जाता है और किस तरह से इस कंट्रोलर को यूज़ किया जाता है। यहाँ पर खास बात करें तो इस कंट्रोलर को आप एंड्रॉयड फोन्स और अपने विंडोज़ फ़ोन के साथ यूज़ कर सकते हैं, और सोने पे सुहागा वाली बात करें तो ये आपके विंडोज़ पीसी को भी सपोर्ट करता है, यानी कि आप कोई भी गेम खेले कंप्यूटर के ऊपर ये गेम पैड सपोर्ट करेगा। बट ये कंट्रोलर आईफोन्स पर नहीं चलता है, मैं आपको पहले ही बता दूँ, तो आईफोन यूज़र्स इस कंट्रोलर को ना खरीदे। सो कंट्रोलर आ गया है बाहर और कुछ इस तरह से इसकी बढ़िया से फिनिश नज़र आती है। प्लास्टिक बॉडी है, साथ में रबड़ी ग्रिप आपको मिल जाता है दोनों एजेस के ऊपर, तो आपको बहुत ही बढ़िया सा ग्रिप मिलता है अगर आप अपने टीवी पे, एंड्रॉयड टीवी पे या फिर अपने मोबाइल फ़ोन या आप अपने लैपटॉप पीसी पे गेम खेलें। बटन्स की क्वालिटी की बात करें तो बहुत ही बढ़िया बटन्स मिल जाते हैं, जॉयस्टिक बहुत ही स्मूथ है, XABY बटन्स बहुत ही बढ़िया तरीके से दबते हैं, जैसे एक्सबॉक्स का आप कंट्रोलर यूज़ करते हैं कुछ उसी तरह से सारे बटन्स बहुत ही स्मूथली वर्क करते हैं। सो वी हैव बैक बटन, स्टार्ट बटन, होम बटन दिया गया है, स्विच ऑन करते हैं ज़रा, आई गेस होम बटन से स्विच ऑन होगा, तो होम प्रेस करता हूँ, ये देखिए ये स्टार्ट हो गया। तो ये पेयरिंग मांग रहा है, आप सीधे पेयर कर सकते हैं अपने लैपटॉप से या फिर फ़ोन से। ऊपर की तरफ आपको माइक्रो USB चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगा जिसे आप 2 घंटे में चार्ज कर सकते हैं और 10 घंटे का प्लेबैक टाइम मिलता है। इसी के साथ आपको लेफ्ट एंड राइट ट्रिगर बटन भी मिल जाता है जो बहुत ही स्मूथली इस वक्त काम कर रहा है। इसी के साथ बॉक्स के अंदर आपको कुछ और चीज़ें भी मिल जाती है, तो ये है आपका मोबाइल फ़ोन होल्डर, ये इजीली आपके गेम पैड के ऊपर अटैच हो जाता है और उसके बाद आप अपने मोबाइल फ़ोन को क्लिप आउट करके गेम का मज़ा ले सकते हैं। तो ये बहुत इजीली क्लिप होता है, पहले इसे ऊपर की तरफ आपको अटैच करना है कुछ इस तरह से और हल्का सा प्रेस करके ये लॉकडाउन हो जाएगा आपके गेम पैड के ऊपर, और अब आप अपने मोबाइल फ़ोन को प्लेस करके आप इजीली गेमिंग का मज़ा ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि एंड्रॉयड फ़ोन्स को आप बहुत ही आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं इस कंट्रोलर के साथ और अपने गेम को एंजॉय कर सकते हैं, बट अगर आईफोन है आपके पास, जैसे मेरे पास यहाँ पर आईफोन है, तो मैं यहाँ पे गेम का मज़ा नहीं ले सकता, बट इसको मैं अपने पीसी के साथ कनेक्ट करके ज़रूर आपको इसका एक डेमो ज़रूर दूंगा कि किस तरह से इसके ऊपर आप गेम खेल सकते हैं। यहाँ पर ग्रिप बहुत ही अच्छा जो है वो आपको मिल जाता है, फ़ोन्स बहुत ही हैवी होने के बाद भी जो है अच्छी तरह से ग्रिप के साथ ये पकड़ा हुआ है, तो ये एक क्लिपिंग आपको मिल जाती है। इसके साथ देखते हैं और क्या है बॉक्स के अंदर, ये वैसे अच्छा लग रहा है, नाइस। सो बॉक्स के अंदर आपको मिल जाता है एक चार्जिंग केबल जो इस वक्त आप सभी को दिखाई दे रहा है, सो दिस इज़ माइक्रो USB चार्जिंग केबल जिसके थ्रू आप अपने गेम पैड को चार्ज कर सकते हैं, और इसी के साथ में आपको एक और चीज़ मिलती है, बहुत ही बढ़िया सी खास चीज़ है आपके लैपटॉप PC के लिए, जो है एक 2.5 GHz का कंट्रोलर। इसके थ्रू आप अपने PC से इस कंट्रोलर को कनेक्ट करके आप गेम को एंजॉय कर सकते हैं वायरलेसली, और एक छोटा सा मैनुअल जिसके अंदर आपको सारी डिटेल्स मिल जाती है कि आप कैसे अपने फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हैं, गेम को एंजॉय कर सकते हैं, अगर कोई गेम कनेक्ट नहीं हो रहा है तो कैसे आप बटन मैपिंग कर सकते हैं, वो सब कुछ इसके अंदर लिखा हुआ मिल जाएगा। सो चलिए अब कनेक्ट कर लेता हूँ मैं इस कंट्रोलर को अपने लैपटॉप के साथ में और फिर आपको एक बढ़िया सा गेम खेल के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये इसे हमें अटैच करना है हमारे लैपटॉप के ऊपर, सो यहाँ पे मैं USB प्लग इन कर लिया है और आप अपने कंट्रोलर को पैरिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पैरिंग भी रेडी कर ली है, बहुत ही ईजिली पैर कर सकते हैं होम और ए दबा के, होम और ए आपको दबा के रखना है और आपको कंट्रोलर का जो ब्लूटूथ नेम है वो दिखा देगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जॉयस्टिक मैं लेफ्ट राइट कर रहा हूँ तो किस तरह से सिलेक्शंस जो है वो आपको दिखाई दे रही है, मैंने ए दबाया एक्सेप्ट, ये देखिए, सो दिस इज़ स्प्लैश, कार रेसिंग गेम है, तो ज़रा नेक्स्ट करते हैं, ए विल प्रेस ए, सिलेक्टेड जॉयस्टिक और बहुत ही स्मूथली वर्क कर रहा है इस वक्त। अब देख सकते हैं रिस्पॉन्स टाइम बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मिल रहा है, बटन दबाते ही आपको एक जो रिस्पॉन्सिव टाइम होता है बहुत ही जल्दी मिलता है, तो कंट्रोलर बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर काम कर रहा है। तो गेम लगभग यहाँ पर स्टार्ट हो गया है,
सो लेफ़्ट ट्रिगर से मैं एक्सेलरेट कर सकता हूँ जॉयस्टिक, लेफ़्ट जॉयस्टिक से मैं कार का मूवमेंट लेफ़्ट राइट करूँगा। सो यहाँ पे ये देख सकते हैं एक्सेलरेट कर रहा है, देखो ये एक्सेलरेट कर लिया। और ये भी अच्छा है कि आपको थोड़ा सा डेमो भी मिल जाता है यहाँ पे गेम खेलते वक्त। एक्स दबाएंगे तो 360 डिग्री रोटेट कर गए, देखो ये 360 डिग्री। सो आप देख सकते हो एक्सेलरेट मैं कर रहा हूँ। लेफ़्ट राइट जॉयस्टिक पे जो गाड़ी है बहुत ही बढ़िया तरीके से रिस्पॉन्सिव चल रही है। और अगर आपको नाइट्रोस चाहिए तो राइट ट्रिगर करेंगे तो नाइट्रोस ऑन हो जाएगा, तो ये और स्पीड आपको मिल जाएगी। सो आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से जॉयस्टिक बहुत ही बढ़िया तरीके से रिस्पॉन्सिव यहाँ पर आपको मिल रहा है। कार लेफ्ट एंड राइट, नाइट्रोस हमने ऑन किया। सो गेम पैड देखा जाए तो बहुत ही ओवरऑल बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। वैसे मैं गेम का ज़्यादा दीवाना नहीं हूँ, मैं गेम बहुत ही शायद ना के बराबर खेलता हूँ। तो यहाँ पर गेम पैड के रिव्यू के लिए मैंने ये गेम को डाउनलोड और इंस्टॉल किया है ताकि आपको बता सके कि कितने बढ़िया तरीके से ये जॉयस्टिक जो है वर्क करता है। मेरे हिसाब से शायद इस जॉयस्टिक के आने के बाद अब मैं थोड़ा गेम को एंजॉय करूँगा। सेम वे आप अपने फ़ोन पर पबजी या फिर कॉल ऑफ ड्यूटी, फ्री फायर को भी एंजॉय कर सकते हैं इसी गेमिंग पैड के ऊपर। मार्केट में मिलने वाले गेम पैड बहुत ही कुछ ऐसे हैं कि कुछ फ़ोन को सपोर्ट करते या कुछ विंडोज़ या फिर पीसी को सपोर्ट करते, बट यहाँ पर ये दोनों प्लेटफॉर्म पर सपोर्ट करता है। सो बहुत ही बढ़िया सी चीज़ है दोस्तों, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो ज़रूर खरीदें। परचेस लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। बहुत ही बढ़िया सा क्लॉक का शूट गेमिंग पैड है। प्राइसिंग की बात करें तो 1800-1900 रुपये में ये आप अमेज़ॉन पे खरीद सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, क्लिक करें और आज ही बाय आउट करें। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, आपका दिन शुभ हो। और हाँ, जाने से पहले ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि ऐसे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी।